बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड फार्मूला। इसका इससे पहले कि हम इसकी वीडियो का पार्ट वन 007A का पार्ट वन हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पांच फार्मूले कवर किए थे यहाँ तक। अब बाकी आगे के फार्मूले हम कवर करेंगे 6 ऑनवर्ड, इसका पार्ट टू है। तो ये फार्मूला एक शीट आपके पास मौजूद है, इसको नोट डाउन कर लें अगर नहीं किया तो। ये बेसिकली ये वीडियो ज़्यादातर हेल्पफुल होगी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, जो मैट्रिक जो इंटर सिंटेक्स रिपोर्ट के तहत एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइजेस में ये सारे फार्मूले यूज़ हो रहे हैं और ए लेवल में भी। अच्छा, हमारे पास सवाल है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास सवाल ये वाला है, सॉल्यूशंस लिखते हैं स्टार्टिंग में। आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 81। आई इसलिए अज्यूम कर लिया कि बार बार हमें लिखना ना पड़े, ये दोबारा बार बार लिखना ना पड़े, इससे टाइम भी बचेगा और जगह भी बचेगी हमारी। अच्छा, आगे चलने से पहले देखिए, हम एक सवाल में छोटी सी मिस्टेक कर दी थी हमने, ये है अंडर रूट के फॉर्म में। अच्छा, अब हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। एक्स होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। अच्छा, इधर देखें, सबसे पहले जो भी हमने सबसे पहले चेक किया कि स्क्वायर के अंदर जो भी वैल्यू है एक्स के साथ एक्स की, उसका देखें, उसको अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 ऊपर मौजूद है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। इसको मैं 1 dx पे ले सकता हूँ, इसका मतलब फार्मूला एप्लीकेबल है ये इस फॉर्म में। देखें, इसमें हमारे पास फार्मूले में एक्स एक्स ही है और ए क्या है 9, ये 9 है। सिंपली फार्मूले पुट कर लें, आई इक्वल टू एल एन एक्स की जगह एक्स ही आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, ये हमारा आंसर। अच्छा, हमारे पास एक और सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में डिफरेंस क्या है कि एक्स के साथ जो नंबर है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें एक्स इसके साथ 1 था। सिंपली सॉल्यूशन लिखते हैं हम, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन 16x² प्लस 49 अंडर रूट। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिए हैं, कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 4x होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अभी चेक करो कि भाई जो भी ब्रैकेट के स्क्वायर के अंदर है चीज़, उसका डेरिवेटिव की वैल्यू मौजूद है या नहीं है। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 मौजूद है या नहीं है, नहीं है तो इसका बड़ा आसान से लिखा है कि हम लिख लेते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 4, 1/4 4 dx 4x² होल स्क्वायर प्लस 7² अंडर रूट। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या है, 4x का 4 होता है। अगर आपने डेरिवेटिव कमांड हासिल नहीं की तो आपको इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो इससे पहले कि हम इंटीग्रेशन पर कमांड हासिल करें, हमें डेरिवेटिव पे कमांड हासिल करना ज़रूरी है। उसकी भी वीडियोस हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट वन क्लियर है तो उसको जाके देखें। अच्छा, आप हमारे पास फॉर्म ले, देखो x² प्लस a² की फॉर्म में है ये, तो सिंपली फार्मूला लगा दें। इधर देखो x क्या है फार्मूले के हिसाब से, इधर 4x है और a क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 1/4 log x क्या था 4x प्लस
फोर एक्स स्क्वायर ये रही प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये सिंप्लीफिकेशन पर हो जाएगा वन अपॉन फोर लॉक फोर एक्स प्लस ये सिक्सटीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फोर्टी नाइन प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो एक और सवाल देख लेते हैं फर्दर आगे सवाल। नवा सवाल है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। देखो ये एक्स स्क्वायर ये जो था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में था, अब ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है ना। तो अब हम इस फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं इस फॉर्म में, बल्कि हम ए की वैल्यू ले लेते हैं, हम ए की वैल्यू लेते हैं नाइन। सॉल्यूशन हो गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें, डी एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर अपॉन। एंड अभी चेक करो जो ब्रैकेट के अंदर एक्स के साथ जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव वो मौजूद है या नहीं है। इसका डेरिवेटिव वन मौजूद है ऊपर, हाँ मौजूद है। वन डी एक्स लिखे हैं ना लिखे तो वन मौजूद है। अब सिंपली इधर एक्स क्या है, एक्स के बराबर ही है और ए की वैल्यू क्या है थ्री। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लें भाई, ये हो जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे जब थ्री स्क्वायर लिखेंगे तो नाइन हो जाएगा आंसर। एक और सवाल देख लें ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये सवाल गौर से करें क्योंकि एक्सरसाइज में जो बुक्स में एक्सरसाइज होती है इंटर की बुक्स में जो दी हुई हैं सिंटेक्स बुक बोर्ड किताबों में इतने ज़्यादा सॉल्व एग्जांपल्स सवाल जवाब नहीं दिए हुए। तो बेसिकली हमने हर फॉर्मूले के तीन से चार सवाल मिनिमम किए हैं सॉल्व एग्जांपल के तौर पे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी तीन से चार सवाल दिए। यानी अगर आप देखें अगर 10 फॉर्मूले हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट 80 के करीब सवाल हैं, 40 सॉल्व हैं 40 अनसॉल्व हैं। तो जितनी मरतबा करेंगे आपके फॉर्मूले पर कमांड आपके पास शुरू हो जाएगी। अच्छा ये सवाल है फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसमें देखो सोल्यूशन हमने लिखा और इसको हमने लेट आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन टू एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर। देखो मैंने डायरेक्ट एक स्टेप खाली इसको आई भी सपोज कर लिया और इसको भी यहाँ पे लिख लिया। अभी चेक करो कि ये जो भी स्क्वायर के अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है, ऊपर नहीं है टू नहीं है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई सेम नंबर से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम करते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय टू। तो ये हो जाएगा टू डी एक्स टू एक्स होल स्क्वायर माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब ये समझिए फॉर्मूला है, इधर एक्स की वैल्यू क्या है फॉर्मूले वाले की, इधर टू एक्स है और ए क्या है थ्री है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें मैं आई इक्वल टू वन अपॉन टू ये वाला है। अब इसका हम इसको इस फॉर्मूले के तहत खोद रहे हैं, ये वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है। अब ये जो चीज़ है ना ये इस पर ये फार्मूला इस फॉर्म में आ गया, इस पर ये फार्मूला अप्लीकेबल हो रहा है। तो ये हो जाएगा जी एल एन ऑफ एक्स एक्स क्या टू एक्स है टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर ये ब्रैकेट लगा दूँ ये ब्रैकेट प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लें वन अपॉन टू एल एन ऑफ
2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 प्लस सी, ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं, ये हमारे पास सवाल है 64 माइनस 9x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो ये इस फॉर्म में मौजूद है, ए स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन आई इक्वल टू 64 माइनस 9x स्क्वायर, इसको करें 8 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx। अब ये चेक करो कि जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के साथ होल स्क्वायर के जो फॉर्म है x के साथ, उसके जो भी वैल्यू उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है या नहीं है, नहीं है, यानी अगर हम 3dx लिखे तो हम कह सकते हैं हाँ है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 1/3, इसको मैं यूँ रख लूँ 8 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और ये 3dx। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर जो 3x की वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या है 3 जो कि बाहर मौजूद है। अब मैं ये फॉर्मूला ला देता हूँ, यहाँ पे a क्या है 8 है और x की जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3x है, ये फॉर्मूला लगाए भाई 1/3 1/2 x की वैल्यू क्या है 3x है, 3x फिर मल्टीप्लाई के साथ ही ए स्क्वायर ए क्या है 8 स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या है 1/2 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 8, तो 8 स्क्वायर साइन वर्स x क्या है 3x, ये ए की वैल्यू क्या है 8 है, इसको सिंप्लीफाई कर लें चाहें तो 1/3 ये 3x/2 64 माइनस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो 32 साइन इनवर्स 3x/8 प्लस सी, ये हमारा आंसर। तो उस फॉर्मूले से कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, देखो ये x की वैल्यू 3x लिख दिया, अपॉन 2 था फॉर्मूले का वो ये रहा, बल्कि इधर देखो x की वैल्यू 3x वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 1/2 इधर था, ये हमारा 8 था तो 8 स्क्वायर, x था हमारा 3x था तो 3x और स्क्वायर प्लस था 1/2 था, a था 8 स्क्वायर साइन वर्स x की वैल्यू 3x थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, a की वैल्यू थी 8 वो हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है आगे चलते हैं, ये हमारे पास सवाल है 25 प्लस 4x स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला शीट अपनी अगर आप देखें, देखो फॉर्मूला शीट में हमारा जो ये जो मैच कर रहे हैं 25 प्लस 4x स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, ये रहा 9th फार्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला शीट आप रिकॉल करें बार बार, तो मैंने इसका कार्ड बनाया हुआ ये फॉर्मूला है, देखो
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन आई इक्वल टू 25 प्लस 4x स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 5 होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर dx। अच्छा, अब जो चीज़ चेक करने की है, देखो कि जो x के साथ कि बाहर जो ब्रैकेट होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है उसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 मौजूद है या नहीं है, नहीं है। इसका बड़ा आसान है, जैसे 2 लेके आना है हमें dx के साथ, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1/2 5 स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर और 2 dx। अब दोबारा चेक करो, ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होल स्क्वायर के फॉर्म में मौजूद है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2, वो हमें मौजूद है, तो हम ये फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिंपली ये बहुत एहतियात से वैल्यू प्लेस करनी है, 1/2। अच्छा देखो, इधर a क्या है 5 है और फॉर्मूले के हिसाब से x क्या है 2x है। x की जगह वैल्यू रखें 2x, ए स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, फॉर्मूले के पास 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए क्या है 5, फिर ln x, x की वैल्यू इधर क्या है 2x प्लस ए स्क्वायर क्या है भाई 5 स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें जो भी है इसमें हम ये सिंबल ला दें ताकि वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो बाहर पॉजिटिव में आए। प्लस सी, सिंप्लीफाई कर लें इसको, जो 1/2 जो 2 से 2 कट गया, ये बचा एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 25 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन 2 और ये ln 2x प्लस ये 25 प्लस 4x स्क्वायर बस, ये हमारा आंसर। देखो इस ये सवाल बड़े हैं, इसकी ट्रिक पॉइंट ये है कि आपको वैल्यू आपको सही पुट करनी है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और वैल्यू पुट करनी है। सवाल एक और करते हैं आगे चल के। एक्स स्क्वायर माइनस 81, देखो ये लिस्ट का बिल्कुल आखिरी फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि इस फॉर्म में मौजूद है आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 81 अंडर रूट, इसको सॉल्व करो, एक्स होल स्क्वायर माइनस 81 सॉरी माइनस 9 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे चेक करने वाली बात है, जो x होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, x के साथ 1, 2 जो भी लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव मौजूद है ही नहीं है। इसका 1, इसका डेरिवेटिव 1 है जो कि यहाँ पे 1 dx के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली फॉर्मूला लगाना है। इधर x x ही है और a जो है वो 9 है, तो फॉर्मूला तो 1/2 x
एक्स स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन स्क्वायर प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लें, वन अपॉन टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन माइनस वन अपॉन टू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट्टी वन हो गया ये। ये आंसर हमारा। एक सवाल और कर लेते हैं। सवाल हमारे पास है 49 माइनस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 आई इक्वल टू 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अंडर रूट डी एक्स। इसको अब स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख देते हैं। ये 7 एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर डी एक्स। अभी चेक करो कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा हुआ है 7 एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है 7, वो बाहर मौजूद है ही नहीं है, नहीं है तो इधर हमें 7 चाहिए तो उसका मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 अपॉन 7 इंटीग्रल 7 एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर 7 डी एक्स। अब देखो ये जो होल स्क्वायर के फॉर्म के अंदर जो चीज़ लिखी है उसका डेरिवेटिव क्या है 7, 7 मौजूद है इसका मतलब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। इधर x क्या है 7x के बराबर है फार्मूले में, जो x है इधर 7x है और a जो है वो फार्मूले में एक है 3 है। वैल्यू पुट करें 1 अपॉन 7 1 अपॉन 2 फार्मूले का 1 अपॉन 2 x क्या है इधर 7x है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ये क्या है अच्छा एल एन एक्स क्या है 7x है प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी डाला। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई क्या होता है 1 अपॉन 7 ये हो जाएगा 7x अपॉन 2 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये सीधे 9 अपॉन 2 हो जाएगा 9 अपॉन 2 एल एन 7x प्लस ये हो जाएगा 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये मॉड का साइन कहलाता है, इससे प्लस वैल्यू बाहर आती है। ये हमारा आंसर। तो फॉर्मूले के ज़रिए करना है तो बहुत आसान, मगर करेक्ट फॉर्मूला याद रखना सबसे मुश्किल काम है। आगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आपके लिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे रिलेटेड एक दो तीन चार सवाल है। सॉल्व एग्जांपल्स आपके लिए ये
दूसरे फॉर्मूले के सॉल्व एग्जांपल्स हैं, फॉर्मूला हेडिंग में डाल दिया और सॉल्व एग्जांपल्स आपको नीचे सॉल्व करने करके दे दिए। ये इसी शीट की कंटिन्यूशन है, ये वाली कि मैंने छोटा सा यहाँ पे फॉर्म लिख दिया, यहाँ पे जगह कम हो रही थी इस वजह से हमने आगे किया इसको। ये वो सवाल है जो हमने बिल्कुल आखिर में अभी सॉल्व किया इस पैटर्न को फॉर्मूले का। तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, पार्ट वन के अलग हैं, ये पार्ट टू के अलग हैं। ठीक है, मजीद इस वीडियो पार्ट टू की शीट टू है। With this we reach to the end of the lecture. Thanks for viewing. Please subscribe us and continue learning. अच्छा, हम इंटीग्रेशन का लर्निंग का अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे, हम डेफिनेट इंटीग्रल भी अभी सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के भी करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अपकमिंग है। आप हमारे चैनल को देखते रहें और अपनी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम है, छुट्टियां हैं, लोग स्टूडेंट्स घर पे हैं, तो उस टाइम को वेस्ट ना करें, उसको यूटिलाइज करते हुए अपने लर्निंग को इन्हेंस करते रहें। स्पेशली ये ओ लेवल, ए लेवल, इंटर, मैट्रिक स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बेनिफिट हैं, ये बड़ा फ्रूटफुल हैं वीडियोज़ उनकी लर्निंग के लिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर व्यूइंग जी।